पीएम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे बड़े ग्लोबल लीडर बन गए हैं। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पीएम नरेंद्र मोदी ने 100 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाले पीएम मोदी दुनिया के पहले लीडर बन गए हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और पोप फ्रांसिस को पीछे छोड़ दिया है। जहां तक बात करें भारतीय राजनेताओं की, तो दूर दूर तक कोई भी पीएम नरेंद्र मोदी के आसपास नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन के सारे अहम नेताओं के फॉलोवर्स को भी मिला दे तो 95 करोड़ के आसपास है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर रखे रत्न भंडार को रविवार 14 जुलाई को 46 साल बाद फिर से खोला गया। इसके लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों की एक टीम का गठन किया था। इस अवसर को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक बयान जारी किया। इसमें लिखा है, भगवान जगन्नाथ की इच्छा पर उड़िया अस्मिता की पहचान के साथ उड़िया समुदाय ने आगे बढ़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आपकी इच्छा पर पहले भी जगन्नाथ मंदिरों के चारों द्वार खोले गए थे। आज आपकी इच्छा से 46 साल बाद एक बड़े उद्देश्य के लिए रत्न भंडार खोला गया। चारों धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई 1985 को खोला गया था। पिछले कई दिनों से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की चर्चा दुनिया भर में है। हर कोई ये शादी देखने के लिए बेताब था। ऐसे में दो लोग शादी में बिना आमंत्रण यानी बिना बुलावे के पहुंच गए। ऐसे में भारी सुरक्षा में सेंध लगाकर ये दोनों वेडिंग वेन्यू जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर घुस गए। मामला सामने आने पर पुलिस ने ठीक तरह से इनका स्वागत किया। दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। इनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। जब से दिल्ली में बीजेपी दरों पर पीपीएससी और पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज लगाया गया है, विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों पर घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो डीआरसी चेयरमैन को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आप सरकार दिल्ली की जनता को लूट रही है। ईमानदारी से बिजली भरने वाले हर व्यक्ति को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पीपीएससी और पेंशन सरचार्ज वापस नहीं लिया जाता, तब तक वह कल यानी सोमवार 15 जुलाई को दिल्ली के 14 बिजली दफ्तरों पर धरना देगी। वही इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में आपकी सहयोगी कांग्रेस भी बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के काम को पसंद नहीं करती है। वो कभी भी स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली हो, कहीं भी ऐसा काम नहीं कर सकती। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।